नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो में। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की आज 30 दिसंबर को एक नई सूचना आप सभी पीएसएल निवेशकों के लिए आई है। सूचना बताने से पहले मैं आप सभी को नववर्ष 2019 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूं कि आपका 2019 मंगलमय होगा और आपका जो भी फंसा हुआ पैसा है वो 2019 में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूं कि 6 जनवरी के बाद आप लोगों के पैसा वापसी के लिए लीगल कार्रवाई और जो अभी तक प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं हुए हैं वे प्रपोजल भी सुप्रीम कोर्ट में जमा हो करके पैसे का आदेश कराया जाएगा। और साथ में चंद्रशेखर आज़ाद जी के अनुसार कि 6 जनवरी को जो अमृतसर के अंदर मीटिंग है उस मीटिंग में जो पीएसएल के वे धोखेबाज वे गद्दार लोग हैं जिन्होंने 5.25 करोड़ निवेशकों को ठगा है उनके नाम भी उजागर किए जाएंगे। और साथ में जितनी प्रॉपर्टी अभी तक बची हुई है या जितनी प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है उन प्रॉपर्टियों को वापसी कैसे लिया जाएगा वह भी तरीका इसमें बताया जाएगा। और आप लोगों को पैसा वापसी दिलाने की 6 जनवरी के बाद हर तरह की गारंटी इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बस आप लोगों को अमृतसर में इस मीटिंग में पहुंचना है और मीटिंग में पहुंच करके जो भी अपनी राय है वे आप रख सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी इस वीडियो में आपको बताते हुए नज़र आएंगे कि जितने भी निवेशक हैं उन सब की लिस्ट उनके पास है और जिसका कितना पैसा है। यदि आप चाहते हो कि आप अपने पैसे को जाने कि आपके पैसा कितना फंसा हुआ है टोटल कितना है तो आप चंद्रशेखर आज़ाद जी की मीटिंग 6 जनवरी को अमृतसर में ज़रूर पहुँचें। और दोस्तों इस वीडियो में निर्मल सिंह भंगू के हाथों में जो प्रॉपर्टी फंसी हुई है उन प्रॉपर्टियों को भी निकालने का दावा किया जा रहा है। तो इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना है, पूरी देखना है, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो तब तक आप लोगों की समझ में कुछ नहीं आएगा। बहुत से ऐसे पीएसएल के निवेशक हैं जो 1-2 मिनट की वीडियो देखते हैं और उसके बाद कमेंट्स कर देते हैं उल्टे सीधे, मगर इससे ना तो आपको कुछ फ़ायदा है ना ही हमको कुछ फ़ायदा है। हमें फ़ायदा तब होगा जब आपका पैसा आपको वापसी मिल जाएगा और पैसा वापसी मिलने के लिए जो जानकारी आपको पूरी वीडियो देख करके आती है उससे उतनी जानकारी आपको 1-2 मिनट की वीडियो देख करके नहीं आती, क्योंकि 1-2 मिनट की वीडियो देखने के बाद तो समझ में ही नहीं आता कि इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की आज ही ताज़ा खबर आई है, इस खबर को आप पूरी सुनिएगा। और अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगता। चैनल सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपको ये होता है कि जो भी वीडियो हमारी अपलोड होती है टेप न्यूज़ चैनल पर वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाती है, आपको नई पीएसएल की खबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक आपके मोबाइल के होम पेज पर फ्रंट पेज पर ही आपको दिखाई दे जाती है, जिससे कि आप आसानी से नई और ताज़ा खबर जान सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आप लोगों के लिए क्या मैसेज दिया है उसको पूरा सुनिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्रशेखर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब से आज आपसे साथियों फिर बात करना चाहता हूँ कि जो हमने अपनी लीगल फाइट जो पूरे भारतवर्ष में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए हमने आमंत्रित किया था पूरे भारत से उन 10-10 साथियों को डिस्ट्रिक्ट वाइज के वो आएं और उनकी हमने अमृतसर में जो मीटिंग सेटल की है तो उसका एड्रेस भी आपको साथियों बता ही दिया यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथियों ने, तो आप साथियों वहाँ पर आएँ और वहाँ से हम जो ये लीगल फाइट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि आज तक हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी साथियों जिनका कुछ पता नहीं चल रहा था, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रपोजल का जो केस है, जो प्रपोजल का उनको पास करवाने के लिए जो चल रहा है उसमें भी कुछ स्पष्टीकरण हमें पता नहीं चल रहा है। हर बार हमें
सुप्रीम कोर्ट से एक ही चीज मिल रही है, वो मिल रही है डेट। हर बार हमें नई डेट बता दी जाती है, और कोई भी एडवोकेट हमारा, मैं नहीं समझता कि अभी तक जब से हमारा ये केस लगा था तो तब से कोई भी वकील हमारा सामने कभी मीडिया में कभी नहीं आया, और उस एडवोकेट ने कभी हमें ये बताया ही नहीं कि उसने अंदर क्या डॉक्यूमेंट दिए हैं, क्या बहस की है उसने, क्या फाइल किया उसने। और ये जो निर्मल सिंह भंगू के जो लुटेरे हैं, गुंडे हैं, जो ये लुटेरे, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इनके साथ हुआ करते थे, वो 20-25 लोग हैं इनके साथ, जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि जितनी लोडा कमेटी ने अटैच कर की है उससे मैं समझता हूं कि डबल ट्रिपल प्रॉपर्टी उन लुटेरों के पास अभी भी पेंडिंग है, और वो छुपे हुए हैं अपने घरों में, आराम से बैठे हैं, वो देख रहे हैं सारा तमाशा। तो ये 4-5 लोगों के ऊपर जो एक्शन किया गया उससे हमारा मसला हल होने वाला नहीं है। बड़े बड़े नाम है, कमलजीत सिंह तूड़, प्रितपाल सिंह कंग, एमएल सहजपाल, ज्योति नारायण त्रिपाठी है, एक त्रिपाठी था, सचिदानंद त्रिपाठी, ये बहुत लोग हैं, सीबी ढिल्लो, ऐसे ऐसे अनेकों नाम है, बहुत नाम है। ये कोई 25-30 लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरे देश का डाटा है। और एक 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 बात और चल रही है, एक एक हमारे YouTube वाले भाई साहब हैं, वो ये 11 सवालों का कोई जिक्र करते हैं कि अपने सीनियर से मांगो, और मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि ये 11 सवालों वाली जो बात है ये वो 20 लोग जानते हैं, वो 20 लोगों की लिस्ट हमने बना रखी है। बहुत जल्दी इस मीटिंग के बाद वो एक एक करके, वो 11 सवाल नहीं है, बहुत कुछ है उसके, सारा कुछ वो जानते हैं। जो सवाल आप पूछ रहे हो ना, ये सीनियर लोगों से या जो छोटे लोगों से, निवेशकों से, निवेशक नहीं मैं बोलूंगा, जो जिन्होंने काम किया PACL में, ये लोग नहीं जानते। मैं क्लियर बोलता हूं आपको, क्योंकि मैं भी पुराना आदमी हूं, मैं जानता हूं कि PACL में कितने एजुकेटेड लोग थे, जितने EM थे लगभग 2-3 हजार EM था पूरे देश में, तो उसमें एक्टिव बंदे कितने हो गए, मात्र 800-900 EM होगा जो एक्टिव EM था, और उसमें से क्वालिफाइड कितने लोग होंगे। मतलब मैं आपको क्लियर ये बताना चाहता हूं, ये 25-30 लोगों की एक टीम थी निर्मल सिंह भंगू के पास, और वो 25-30 लोग जो हैं वो दलालों के माध्यम से ये पूरी प्रॉपर्टी परचेज करते थे, और उस प्रॉपर्टी से एक मोटा हिस्सा उन लोगों ने अपने पास भी रखा, और मोटा पैसा उन्होंने कमाया इस प्रॉपर्टियों से। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो धीरे धीरे ये 6 तारीख की मीटिंग के बाद आपके सामने आएंगे, और इन सभी से वो एक एक पाई वसूली जाएगी, वो सभी प्रॉपर्टी इनसे बाहर निकाली जाएगी। आप 6 तारीख को साथियों अमृतसर में आए, आप सभी का स्वागत है वहां पे, हमने आपके वहां पे खाने की रहने की भी व्यवस्था कर दी है, आप निश्चिंत होकर आए वहां पे, वहां से हम एक एक सिस्टेमेटिकली ढंग से आपको ये बताएंगे कि आपका पैसा कहां पे अटका हुआ है, और आपका पैसा किसके पास है, आपकी प्रॉपर्टी आज भी किसके पास है, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी आज भी बाहर है, वो प्रॉपर्टी सभी उन 20-25 लोगों से बरामद करवाई जाएगी। और ये 11 सवाल जो ये जो जिक्र का हो रहा है लगातार, ये 11 सवाल उनसे पूछे जाएंगे, उनसे वो सारा कुछ वसूल किया जाएगा। 11 सवाल क्या करने, सारा कुछ उनके पास ही है, वो 25-30 लोग हैं, इससे ज्यादा नहीं है। उन 30 लोगों के पास पूरे देश की जो प्रॉपर्टी है उसका हिसाब है, पूरे देश की प्रॉपर्टी उन्हीं लोगों ने परचेज की है, और उन्हीं लोगों ने, जैसे मैंने बताया, कि मोटा पैसा कमाया, और उनसे वो सारा कुछ वसूल किया जाएगा। तो साथियों, आप अमृतसर में 6 जनवरी को आए, वहां पे हम एक, आप सभी के सहयोग के साथ, सभी को साथ लेके, हम एक सिस्टेमेटिकली ढंग से एक वहां पे कार्य करेंगे, जिससे पूरे भारतवर्ष के जितने भी हमारे निवेशक हैं वो भी, एक लिस्ट हमारे पास होगी, तो सुप्रीम कोर्ट में भी हम वो प्रपोजल वो पास करवाएंगे जिससे विद इंटरेस्ट पूरे देश के निवेशकों को पैसा मिले, और जो हमारे एजेंट साथी से
जो वर्कर साथी थे हमारे, जिनका कैरियर खत्म हुआ है, जो आज रोड पे आ गए हैं और जिनको आज खाने के लाले पड़े हुए हैं, उन सभी को उनका मुआवजा भी दिलाया जाएगा। तो साथियों, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं, ये वादा करता हूं कि इस मीटिंग के बाद आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, आपका पैसा भी विद इंटरेस्ट वापस होगा और आपका मुआवजा भी आपको वापस दिलाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।